अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको आज वाली वीडियो के अंदर। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ, फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी भर्तियाँ आ चुकी हैं, आपने इसको किस तरह अप्लाई करना है, अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। दोस्तों इससे पहले कि मैं आपको ये कह दूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल यू जॉब स्टार्ट पीके को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास आने वाली तमाम की तमाम लेटेस्ट की लेटेस्ट वीडियोज आप तक पहुँच रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले आपने करना क्या है, जॉब अप्लाई करने के लिए और जॉब की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए सबसे पहले आपने विजिट कर लेना है यू जॉब स्टार्ट पीके को, लिंक इन डिस्क्रिप्शन है। आप जैसे ही आए इसके ऊपर आएंगे तो आपके सामने ये वाली जॉब्स आपको मिल जाएगी फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। ये जॉब का आर्टिकल रीड करने का आपके साथ मकसद ये है कि आप यहाँ से एडवर्टीजमेंट को डाउनलोड कर सकें और कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म को भी यहाँ से आके डाउनलोड कर सकें, ताकि आपको किसी भी किस्म की परेशानी ना हो और आप आराम से अपनी जॉब को अप्लाई वगैरह कर सकें। सबसे पहले हम पूरी जॉब की डिस्क्रिप्शन को रीड आउट करेंगे, कितनी पोस्ट आई है, लोकेशन क्या है और क्या क्या क्राइटेरिया, वो सारा कुछ हम आज की वीडियो के अंदर कंप्लीट कवर अप करेंगे। जॉब पब्लिश हुई है 23 मार्च 2023 को और इसकी जो लास्ट डेट है वो तकरीबन है 7 अप्रैल 2023। फुल टाइम बेस ये जॉब है और पूरे पाकिस्तान से आप इस जॉब के लिए अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर कितनी जॉब की पोजिशन आई है। काफ़ी ज़्यादा जॉब की पोजिशन है, असिस्टेंट की पोजिशन है, असिस्टेंट डायरेक्टर की पोजिशन है, आईटी असिस्टेंट की पोजीशन है, लोअर डिवीजन क्लर्क की पोजीशन है, ये सारी जॉब की पोजीशंस आई हुई हैं। नेक्स्ट चीज़ हमने अप्लाई इसके अंदर किस तरह करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और एडवर्टीजमेंट फॉर्म को भी मैं ओपन कर लेता हूँ। ये रहा एडवर्टीजमेंट फॉर्म, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं राइट क्लिक करके, और आप इसको अपने मोबाइल से भी ईजिली डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। इसके अंदर जितनी भी पोजिशन है वो सारा क्राइटेरिया आपके सामने बयान है। अगर आप इसकी मजीद क्वालिफिकेशन को रीड आउट करना चाहते हैं तो आप इस एडवर्टीजमेंट को डाउनलोड करके अपने लिहाज से सब कुछ रीड आउट कर सकते हैं कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है और हमें क्या क्या वगैरह करना चाहिए। जितनी भी ये स्केल की, छोटे स्केल से लेकर बड़े स्केल तक, ये सारी जॉब की पोजीशन आई है, नायब कैसे से लेकर और असिस्टेंट डायरेक्टर तक, ये सारी जॉब की पोजीशन है। और एज की लिमिट इसकी 30 ईयर्स है और आप इसके अंदर बला जो जॉब की पोजीशन है वो तकरीबन कोई 20-30 के करीब, 51 जॉब की पोजीशन है, ये रही 51 जॉब की पोजीशन है, आप इसमें से किसी भी जॉब को अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज रह जाती है कि हमने अप्लाई इसके लिए किस तरह करना है। अप्लाई के लिए यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया गया हुआ है, ये देखें ats.org.pk, हम इसको विजिट करेंगे इस वेबसाइट को, और ats.org के ऊपर हम इस वेबसाइट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अब हम नीचे आएंगे इसके एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर, ये रहा न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट, PAF फाउंडेशन के लिए ये जॉब्स है, और ये रही इसका एप्लीकेशन फॉर्म। इसका भी लिंक मैं ट्राई करूँगा यहाँ पे एडाउट कर दूँ ताकि आपको मज़ीद किसी भी किस्म की परेशानी वगैरह ना हो। नेक्स्ट चीज़ हमने के ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर हमने किस तरह अप्लाई करना है, ये रहा इसका ऑनलाइन पोर्टल। पोर्टल के लिए अप्लाई करने के लिए हम सीधा जाएंगे अप्लाई नाउ के बटन के ऊपर। अप्लाई नाउ करने के लिए हम सीधा किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हम इसके ऊपर क्लिक आउट करेंगे, और नेक्स्ट चीज़ हम यहाँ पे साइन अप करेंगे और रजिस्टर न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक आउट करेंगे। रजिस्टर्ड अकाउंट करने के लिए आपने यहाँ पर अपना फुल नेम लिखना है, और आपने यहाँ पर अपना फादर नेम लिखना है, CNSE लिखना है, और रिपीट आपने CNSE लिखना है। CNSE मीन्स के अपने शिनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, अपना ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और रीसेट पासवर्ड, ठीक है, वो वाला अगेन वाला पासवर्ड। नेक्स्ट जिन लोगों ने अकाउंट बना लिया होगा वो नेक्स्ट इधर आएंगे, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, और यहाँ पे अपना वो CNSE का पासवर्ड लिख के इसको साइन इन करेंगे। जैसे ही वो साइन इन करेंगे उस पोस्ट के लिए वो मज़ीद इन्फॉर्मेशन मांगेंगे कि आपने क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए, वो आपने उसको सबमिट कर देना। बिल्कुल एक आसान सा प्रोसेस है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। मेरा मकसद था कि मैं आपके साथ ये एडवर्टीजमेंट शेयर करूं ताकि आपको सारी जानकारी पता चल सके कि हमने इस जॉब के लिए किस तरह अप्लाई करना है। अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करना चाहते, मज़ीद जॉब जाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को वॉच कर सकते हैं और हमारी यूट्यूब वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, इसके ऊपर मज़ीद मालूमात आती रहती हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।